देश में यूसीसी पर बड़ी बहस छिड़ गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। यूसीसी को लेकर भी विपक्ष में एक राय नहीं नजर आ रही। कांग्रेस जहां यूसीसी का विरोध कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में। आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश से जुड़े मुद्दों पर वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचती है, देश हित में यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप पाठक ने कहा कि यूसीसी का आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक समर्थन करती है। कांग्रेस ने यूसीसी पर आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है। ठीक इसी पर आज हम बहस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूसीसी की बात हो रही है, ये जरूरी या चुनावी मजबूरी। 14 से पहले भी चर्चा में आया था यूसीसी, 19 से पहले भी आया था। जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उनके पास क्या तर्क हैं और जो समर्थन में है उनके पास क्या तर्क है? आप क्या सभी को विश्वास में लेकर इसमें आगे बढ़ेंगे या सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा पिछले चुनावों की तरह? इसी पर बहस करेंगे। आर्टिकल 44 में राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में निर्णय है और असमानता होनी नहीं चाहिए, विसंगति होनी नहीं चाहिए, भेदभाव होना नहीं चाहिए। समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग तक न्याय के अधिकार पहुंचने चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। ये तो संविधान सम्मत है। आपको समझना पड़ेगा कि जब मुद्दा और इश्यू देश से संबंधित हो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर। यूसीसी का सैद्धांतिक रूप से हम समर्थन करते हैं, आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए सभी दलों, गैर राजनीतिक, राजनीतिक, सभी संप्रदाय के लोगों से, सभी पक्ष विपक्ष से सबसे डिस्कशन होना चाहिए। वाइडर कंसल्टेशन करके, सबसे बातचीत करके, सबके सहमति से ही इसको लागू करनी चाहिए, भले ही इसमें कुछ समय लग जाए। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं लेते। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय पार्टी है। देश से संबंधित कोई भी मुद्दा हो हम बड़ी जिम्मेदारी से लेते हैं और हम इस पर कोई चुनावी राजनीति नहीं करते। सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे पर हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनावी मुद्दा है, इस पर वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए वो देश से जुड़ा मुद्दा है, बहुत अंतर है। क्या सैद्धांतिक रूप है ये समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता पहले भी था, अब इस वक्त भी फिर दिखाई देने लगा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये यूसीसी नहीं है, ये डीसीसी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको डिवाइडिंग सिविल कोड बना करके लाने की कोशिश की जाएगी। अब आम आदमी पार्टी के बारे में कांग्रेस की तरफ से कई, और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कई बार वार किए और हमने हर बार यही कहा कि ऐसा लगता है कि वो हमेशा की तरह फिर बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और इससे और साबित हो गया।